आता बातमी अनिल देशमुखांबद्दल. आमच्यातले काही लोक ईडीच्या दबावामुळे भाजपसोबत गेले असं विधान रविवारी शरद पवारांनी केलं. त्यांना अनिल देशमुखांनी दुजोरा देत आपल्यावरही दबाव होता असा दावा केलाय. मी समझौता करणार नाही असं मी स्पष्ट सांगितल्यावर दुसऱ्याच दिवशी माझ्यावर छापा टाकण्यात आला असंही अनिल देशमुख म्हणाले. की पवार साहब ने कल पूना के एक कार्यक्रम में बताया कि हमारे जो काफी हमारे जो वरिष्ठ नेता थे वो ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए, ऐसा जो आदरणीय पवार साहब ने बयान किया. उन्होंने पवार साहब ने मेरे भी नाम का जिक्र किया, वो सही बात है. मेरे ऊपर भी समझौता करने का दबाव भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का था, मैंने समझौता करने से इनकार कर दिया. और मैंने समझौता करने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इनकार किया करके मेरे ऊपर परमवीर सिंह को मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए कहा गया और मेरे ऊपर कार्रवाई की गई. मैं समझौता करता तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होती. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.